प्रवृत्ति के साथ कारण विद्वान लिखल के जैसे खो ज्ञान वैसा होगा मन और जैसा होगा मन वैसा होगा धन। जो विद्वान करू हम जेहन अन खाब मन पर तेहने प्रभाव पड़े और मन पर जेहन प्रभाव पड़े तो बाल बच्चा तेहने प्राइमरी स्तर के एजुकेशन परिवार से फॉरवर्ड हो बार बार कहते रहो प्राथमिक स्तर के शिक्षा फैमिली से हुई आप तो बढ़िया सुधार यहाँ अपने बच्चा के सिखा बच्चा वह अनुसरण करब पहले सब बच्चा के संस्कारी बनाओ ये माता पिता के नैतिकता थी बच्चा के संस्कार देव संस्कार युक्त बनाओ संस्कृति के ज्ञान देव ये प्रत्येक माता पिता के नैतिकता भोजराज कंस राजपसी प्रवृत्ति के चलते अन्न के प्रभाव से वातावरण के प्रभाव से संस्कार के प्रभाव से नहीं समय के प्रभाव से वातावरण के प्रभाव से बच्चा पर प्रभाव पड़े जैके चलते राजपसी प्रवृत्ति के बन गए। दोसर इनकर जो माता से पवन रेखा छोटा सा उदाहरण भोजराज कंस के जो मातेश्वरी छी पवन रेखा वो एक दिन अपन फुलवारी में पहुँच गए आ संजोग से ध्रुवील नाम के राक्षस आ गए आदरणीय श्रद्धालु वो ध्रुवील नाम के राक्षस देखल की पवन रेखा ये अपने के उग्रसेन महाराज के अपने के पत्नी सी अद्वितीय रूपवती है सुंदरता के पारावार ने वो चाहल की इनका पतिव्रता धर्म का नष्ट कर वो ध्रुवील नाम के राक्षस बिचारा उग्रसेनी महाराज के स्वरूप धारण कर गए अब पवन रेखा के नहीं दिखाइए पवन रेखा ये बात का समझ नहीं सकल ये हमार पति नहीं सी ना समझ के चलते पवन रेखा के गर्भ से भोजराज कंस के जन्म हुए ये ध्रुवील नाम के राक्षस के अंश जदु वंश में पहला संतान के रूप में प्रादुर्भूत हुए उग्रसेन महाराज के ज्येष्ठ संतान तो पवन रेखा के गर्भ से ध्रुवील नाम के राक्षस के अंश से प्रादुर्भूत हुआ वाला भोजराज कंस स्वाभाविक रूप से राक्षस बन गए। आदरणीय सुधारू सब प्रेम से बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय। बढ़िया से ध्यान देव राक्षसी प्रवृत्ति के रह के चलते संपूर्ण राज्य में ढिढोरा पिटवा के पूजा पाठ होम आर्चा जोग बंधन नेम आचार से दूर रहें एक भी व्यक्ति भगवान के नाम तक उच्चारण नहीं कर सके थे मथुरा के भीतर कड़ा कर्फ्यू आदेश कर दे कारण बाणासुर सन मित्र मगध नरेश जरासन सन ससुर कुवल्या पीड़ सन हाथी चारुर्मुष्टिक सन पहलवान बकासुर अघासुर प्रलंबासुर धेनुकासुर केशिक त्रिविद पुतना सन पर्सनल असिस्टेंट प्रिय प्रिय हितैषी जे व्यक्ति के सहयोग में चल वो व्यक्ति के ब्रेन डिस्कनेक्टेड कह देने कोई बड़ी बात नहीं सर मेंटल पावर फ्यूज कह देने कोई बड़ी बात नहीं सर श्रीमद वक्र ने किन्न के ही प्रभुता बधिर न कहा बाणासुर सन मित्र बाणासुर मतलब सोनितपुर के राजा अखन के नेपाल के राजधानी काठमांडू और उस समय सोनितपुर के राजधानी ने से हुआ जगह अखन जे नेपाल के राजधानी काठमांडू है वो समय बाणासुर के राजधानी सोनितपुर सब 14 कोस काठमांडू 42 किलोमीटर काठमांडू पूरा पहाड़े पहाड़ से भरल सब ललितपुर भक्तपुर काठमांडू मिला के 14 कोस मतलब 42 किलोमीटर जो उस समय के सोनितपुर सब ये पूरा पहाड़ पहाड़ से भरल सब महाराजा बाणासुर वो संपूर्ण पहाड़ के मुष्टि के चोट से समतल बना के राजधानी स्थापना के लिए जखन काठमांडू नेपाल के राजधानी है वो बाणासुर के द्वारा स्थापना काल अपने के समतल भूमि व्यक्ति के मन जे विचलित भ जाता है
कितनों बड़ा संत से पठेला के बाद राजधानी में गला के बाद जो पिछली सहित ट्रेन लौट ले लेते कारण बानासुर के जगह राक्षस के द्वारा स्थापना कालो जगह जैसे चलते व्यक्ति के प्रेम विचलित किया जाए थे व्यक्ति कंट्रोल नहीं रह सके थे आबद्धता या अपने के प्रतिबद्धता के मुताबिक सफल नहीं भा सके थे। खास कारण आदरणीय श्रद्धालु सज्जन 14 कोस काठमांडू 42 किलोमीटर काठमांडू के बस्ती के प्रहार से संतल बनाने वाला महाराजा बानासुर जिनका मित्र चल वो व्यक्ति का मनासक्त रहने कोई बड़ी बात नहीं सर। मगध नरेश जरासंध के नाम अपने सुनने आप 18 बार कृष्ण के साथ संग्राम करके मगध नरेश जरासंध के तुई का पुत्री चल एकता के नाम चल अस्थी दोसर के नाम चल त्रास्ती ये दोनों भोजराज पंश के पत्नी थे। छोटा सा उदाहरण भोजराज पंश के मृत्यु के पश्चात दोनों उनकर पत्नी मगध नरेश जरासंध के पुत्री दीवर स्वर या कुल आत्मा जर्जर अवस्था कोलाहल करे मगध नरेश जरासंध के राज में पहुंचा ले। मगध नरेश जरासंध पुत्री के कि अपने का दुर्दशा का देख का पुतल की अपने की दुर्दशा कल के हम सब की दबाव आ गए कल के कारण कृष्ण और बलराम। मगध नरेश जरासंध संकल्प ले के जब तक कृष्ण और बलराम का समाप्त नहीं कर दे मगध वापस नहीं आ बेचारा अस्त्र शस्त्र सुसज्जित वाके शाही सेना के साथ तीर कमान के साथ द्वारकाधीश भगवान कृष्ण पर चढ़ाई थे। आदरणीय श्रद्धालु सज्जन मगध नरेश जरासंध द्वारकाधीश भगवान कृष्ण पर जब चढ़ाई कर गिरे भगवान कृष्ण अस्त्र शस्त्र के साथ संग्राम में उतरला और मगध नरेश जरासंध के संपूर्ण सेना तब समाप्त क्या चल गए और मगध नरेश जरासंध जंगल के कामरा में जाके लुका गए। आदरणीय श्रद्धालु सज्जन जब जंगल के कांदरा में लुका गया बेचारा सोच विचार में लग गए जब हम इनका समाप्त करे के लिए रहूँ है फिर भी हमारा हार भेल है तत्काल उनकर दृष्टि उनकर नजर एक चिट्ठी पर पड़ गए साधारण जीव पर पड़ल वो चिट्ठी के अथक प्रयास के देख कर मगध नरेश जरासंध का शिक्षा भेटल है केहन शिक्षा वो चिट्ठी पहाड़ के शिखर पर चढ़वाक उद्देश्य से बारम्बार प्रयास कर रहा है गिर रहा है चढ़ रहा है ऊपर जा रहा है नीचा गिर रहा है 18वां बार वो चिट्ठी पहाड़ के चुप्पा पर पहुंच गए शिखर पर पहुंच गए। विद्वान लिखल की ना करत करत अभ्यास से जलमति होत सुजान रसड़ी आवत जाते सिर पर प्रसाद नहीं अंग्रेजी के विद्वान लिखल की वेयर आर यू सक्सेस नहीं जवाब भेटल सक्सेस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स इज इक्वल टू वर्क वाई इज इक्वल टू प्ले जेड इज इक्वल टू कीप योर माउथ अंडर कंट्रोल इज इक्वल टू सक्सेस बढ़िया से करते हैं क्योंकि ब्रेन वॉश करें एक तो चिकन व्यापारी करने वाला अपने के व्यापारी चल चिकन मैट में वाला असमान खा ले हमने के अन्यथा समय लेके ले साहब हम फिर चीन में ब्रेन वॉश करा रहा हूँ एक तो व्यापारी चल बेचारा चिकनी मिट्टी बेच के गुजारा करे पड़े एक दिन बेचारा एक क्विंटल चिकनी मिट्टी का ढहा पर लौट जाएगा 50 kg एक साइड में अब 50 kg एक साइड में अब पिदा चले संदोख से आधा रास्ता में पहुँचा है तब तक में 50 kg चिकनी मिट्टी के बिक्री जाए हाँ सब बढ़िया से जाते बेचारा सोचल कि ना 50 kg चिकनी मिट्टी बिक गए एक भगा भ गए घोड़ा पर अब 50 kg रह गए बड़ा दिक्कत भेल वो खाली यहाँ बोरा में बेचारा की करती 50 kg बॉले लौट कर सोचल कि बैलेंस मिलते घोड़ा पर एक भगा दे बेचारा एक साइड में 50 kg चिकनी मिट्टी और 50 kg बालू चल गए और किस दूर गए दोसर व्यापारी चिकनी मिट्टी बेच के अब फिरता करे वो देखल कि कल कि यौ भैया अहाँ के चिकनी मिट्टी नहीं बिकल कल कि 50 kg तो बिक गए 50 kg रहा है कल कि आरो दोनों साइड देखे कल कि बैलेंस मिले नहीं कल कि समझ नहीं सकल कल कि 50 kg जो मिट्टी बिक गए न तो घोड़ा के एक भगा भ जाए तो 50 kg अपने के बॉले दे दिलिए छाड़ों के बॉल भेटल कोसी के एम हेल्प कल कि कितना मूर्ख छे अहाँ यौ कल कि की भेल कल कि घोड़ो मरते ना गधो मर जाए अपनों सवाह बैलेंसे मिलवे के से तो 50 kg का आधा आधा कर देवे 25-25 kg आ दोनों काट कर दे देवे तो बैलेंसो मिल गए आ घोड़ो कहलू भाग कल कि देखियो अहाँ के ब्रेन से हमारे व्यापार नहीं चलते
व्यापार अपन अपन ब्रेन से चले वहां चाहे अपने ब्रेन से अको चला ली हमारे अपन ब्रेन से यहाँ के अपन ब्रेन बिचारा चल गए चिकनी मिट्टी वाला बिचारा एक साइड में चिकन के माइट एक साइड में अपने के कोसी के पौन ले दिल्ली पहुंच गए ऐसा बढ़िया से जान बिचारा जाके एक साइड में चिकनी मिट्टी रख दिल एक साइड में बालू रख दिल तो बालू के कोनो काम नहीं व्यक्ति के खाली चिकनी मिट्टी के बिक्री रहे संजोग के उस समय में दिल्ली के राजा के पीठ पर एक घाव भ गए घाव अपने के कितनो मेडिसिन चलावे कितनो हाई एंटीबायोटिक चलावे तो सूखे के कोनो बाते नहीं एक वैद है देखलखिन राजा साहब कहलखिन राजा साहब ये बीमारी दवाई से ठीक है वाला नहीं है कहलखिन तब कहलके ओम्हर अपने के चल जेबे उत्तर अपने के बिहार नेपाल के साइड में ओहिठाम कोसी बहे ओ बॉल अगर भेट जा 50 kg तो अ एक महीना अखन लौट के पीठ पर रखते रहते घाव पर ओ सोख लेते अपने के फिट भ जाए राजा आदेश कल के खोजो कहाँ है वो कोसी वाला बालू खोलने शुरू कल के बिचारा सोचे दिल्ली भैया आता ढंग कोसी के बोल लो किया लगे दिल्ली बिचारा पुलिस प्रशासन तफ्तीश का दौड़ ले कल के क्या भाव है इसका बिचारा सोच लगे जो कोनो जरूरी है 3-4-5 भौजे अपने के चिकनी मिट्टी रहे तक 4 बार के दिल्ली के जरूरी रहे कल के तुरंत पैसा दल के वो बॉल लगा पर बिचारा फर्स्ट क्लास मतलब राजा के चिट्ठी पर दिल रहे बढ़िया बिकल चिकनियों में बिक गए बिचारा अपने को वापस बढ़िया पैसा भेटे जीवन भर जो व्यापारी के दे दल सब पैसा ही बेर ऊपर भ गए आधा रास्ता मिल तो चिकनी मिट्टी वाला चल जाए जगह कल के भैया कना रहो कल के 4 बार बेसी फायदा रहा कल के बॉल मैं कल के हाँ फकलक चिकनी मारके कल के बॉले में फायदा है बिचारा चिकनी मिट्टी फेंक के दौड़ ले 4 बार भाव में बिके तो कौन जरूरी जो हो अपने के क्विंटल बॉल वाला लेकर तो बिचारा अपन बिता दे अब राजा का घर टूट गए बॉल के कोनो काम नहीं रहे बिचारा का भोजनो बाप होते रहे समस्या भ गए बिचारा वहीना अपने के बॉल के फेंक कर फिर पा गए कहलखिन की भेल कल के हमारा हाथ फेंक लेलिए कहाँ बिके से बॉल कहलखिन ब्रेन व्यक्ति के कमा के खाए के तरीका दी है सिस्टम के व्यापार ब्रेन से चल पहले कह गए एक चीज कल तू वर्क व्यक्ति का पहला काम करना चाहिए वाइज कल तू प्ले कोई काम का बोझ बुझ लेवे तो चपा के हम मिल जेबे तेरा खेल बुझू कीप योर माउथ अंडर कंट्रोल कल तू सक्सेस मुंह का बंद रखो हार्ट का मजबूत रखो असफल भा जेबे दुनिया के कोनो शक्ति नहीं हिला सके हमार कहा के बात है व्यक्ति जो कोनो काम करे थे हमार अपने का करत करत अभ्यास से जलमति होत सुजान रसरी आवदात से सिल पर परत निशान विद्वान लिखलखिन जे अभ्यास कला सँ एक्सरसाइज कला सँ केहनो मूर्ख व्यक्ति अद्वितीय विद्वान बनि सकैत है जेना कालिदास नहीं एक्सरसाइज कला सँ अभ्यास कला सँ केहनो दुर्बल व्यक्ति विशाल पहलवान बनि सकैत है जेना रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान इनार में तो सब देखने आप धूप में लहरा बनल रहे थे चारों तरफ गोलाकार वो अपने के गिट्टी से बनल रहे थे बालू से बनल रहे थे सीमेंट से बनल रहे थे अब व्यक्ति डोल में डोरी का पहन के और नरम डोरी का खींचने शुरू करे थे तो पहने भरते भरते नहरा को नरमा गोल दखल जमा दे ने करत करत अभ्यास से जलमति होत उड़ान रसिड़ आवत जाते सिल पर परत निशान विद्वान कहलखिन जे अभ्यास से विशाल पहाड़ टूट जाते नरम वाला डोरी अभ्यास से केहनो मूर्ख विद्वान बन जाते मगध नरेश जरासंध देखलखिन जी साधारण चित्ती एकटा कुछ जीव सफलता के लेल 18 बेर प्रयास कर रहा है आ सफल कह गए तब भगवान कृष्ण के साथ 18 बार संग्राम कर ओ मगध नरेश जरासंध भगवान कृष्ण के साथ द्वारकाधीश के साथ 18 बार संग्राम कर जिनकर मृत्यु महाभारत के संग्राम में गए तो मगध नरेश जरासंध सम ससुर जे व्यक्ति का मौजूद है वो व्यक्ति के प्रेम फेल क्या जाने कोई बड़ी बात नहीं सर हजार हाथी के बल वाला कुवलिया पीर हाथी शोभा के रूप में दरबार में मौजूद सब चारुर मुस्तिक सब पालवान सब पहले कह गए अकासुर अघासुर लंबासुर भेदुकासुर केसी द्विविध पुतना सर प्रस्थल असिस्टेंट प्रिय प्रिय ही देशी सर भोजराज कंस की कल के ना 6 संतान तक देवक महाराज के 6 कन्या तक वसुदेव के साथ विवाह संपन्न कल गए सब भोजराज कंस जवानी अवस्था में
राक्षसी प्रवृत्ति के चलते भोजराज कंस अपना पिता से राज सत्ता जबरदस्ती सी स्वयं मथुराधीश बनला, मथुरा के राजा बन गए। और सोचल की देवक महाराज के चाचा श्री के छह कन्या तक के विवाह जब अपने के वसुदेव के साथ संपन्न कर गए ना, तो सातवा कन्या के विवाह दूसर व्यक्ति के साथ क्या करो, भोजले दुल्हा चल वसुदेव के साथ संपन्न कर गए। यदा लोकम समम भूताया वसुदेवस्य सम भूता, बढ़िया से ध्यान दी, देवकी के विवाह देवक महाराज के सातवा कन्या के विवाह वसुदेव के साथ संपन्न कर दिया गया। ये अपने के भोजराज कंस अपन इच्छा से कह रहा, जब देवकी वसुदेव के पानी ग्रहण भाग गेल वैवाहिक गांठ में पधा गेल तो उल्लास पूर्वक उमंग पूर्वक भोजराज कंस देवकी वसुदेव के रथ पर चढ़ा के वसुदेव के घर के तरफ देवकी के घर के तरफ विदा हुआ। जब आधा रास्ता में पहुंचला तो को जाना थी जनार्दन भगवान के जान रहा, आधा रास्ता में आकाशवाणी के द्वारा सुनल की जदा राधेन समम लोकाया जदा कीर्तर्थम संगता अस्मस्तु प्रीतम समम लोकाया पृथ्वी से राजा ए भोजराज का जे बहन बहनों के साथ अपने खुशी में उमंग में उल्लास में जा रहा है, इनका आत्मा संतान से अपने की मृत्यु लिख रहा है। भोजराज कंस पुष्ट राजा चल दोनों नेत्र लाल भ गए टेढ़ा भ गए सीधा रथ करो कलकिन म्यान से तलवार निकाललकिन कम्बल से खड़ग निकाललकिन चाल किन ना रहे बाप न पादे पासुरी सोचल के देवकीय के समाप्त आदि यह नहीं रह जहाँ हमारे मृत्यु के कारण बने, जब बेचारा उनका वध कर के चाहलकिन तो साथ में वसुदेव जी सलाह जवरिनल संत चले। हम बारम्बार कहते रहो है संत कहा क्या शांत जो संसार शांत हो, अपना सबके समाज में जब व्यक्ति के मृत्यु भ जाता तो कहता मुख व्यक्ति संत भ गया अरे संसार से विदा भ गए, बढ़िया से मतलब आदमी जब मर जाता है संसार से विदा भ जाता है तहन वो संत हेतै, यानी तो जिनका में लोभ क्रोध मोह माया अहंकार कृष्णा से जो व्यक्ति परे भ जाता वह संत होते हर्षो न विस्माया, जे व्यक्ति के भेटो के मरला से शोक नहीं होते और हीरो के भेटला से हर्ष नहीं होते एक नाम से संत। आदरणीय श्रद्धालु सज्जन वसुदेव जी संत सलाह दोनों हाथ जोड़े महाराज भोजराज कंस से कह रहा महाराज अपने चक्रवर्ती सम्राट छी उदय अस्त तक के राजा छी एकटा कन्या के वध कला से हजार गो हत्या के पाप लागे एक कल्प तक व्यक्ति करोर नरक मरे पड़े कुमारी कन्या के वध कला से व्यक्ति के एक कल्प तक 71 चौकड़ी युग 14 मनवंतर तक अपने के रोर नरक में निवास करे पड़े एक तक कन्या के वध कला हजार गो हत्या के बराबर प्रायश्चित भोगे पड़े। आदरणीय श्रद्धालु सज्जन मुदा भोजराज कंस महात्मा वसुदेव के सत पर विचार करा के लिए तैयार नहीं हुए, अंततः देवर्षि नारद बिना प्रस्थान दे नारद सबके उच्चारण कर श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भोजराज कंस के दरबार वो नैदिक पहुंचला। देखा कि भोजराज कंस धन मथुरा के भूमि धन मथुरा के प्रजागण धन मथुराधीश भोजराज कंस देखब सत के पदार्पण भेल है, बारम्बार कहते हुए सत दरस जीवी पातक चढ़े सत के दर्शन से केहनो कुकर्मी व्यक्ति के कल्याण भ जाता है संत के दर्शन से केहनो व्यक्ति के उद्धार भ जाए। आदरणीय श्रद्धालु सज्जन देखल की ने अपन भाग के बड़ाई करके देवर्षि नारद कल के महाराज वसुदेव जी अच्छा कह रहा है उचित कह रहा है एकटा कन्या के वध कला से हजार गो हत्या के पाप के बराबर प्रायश्चित है तो में दाम्पत्य जीवन निर्वाह करा के पहला पोदान वर्षगांठ के अवसर में दाम्पत्य जीवन के सुहाग रात्रि के समय ऐ अवस्था में निर्दोष अवला के हत्या करने घोर अन्याय है। कारण देवकी निर्दोष है, वसुदेव जी कल की देवकी के गर्भ से जे भी संतान के पैदाइश हाथ वो अपने के नैतिक सुपुर्द का दिल जा तेरे अपने इनका छुटकारा दिल जा इनका वर्दिगाह कर जा। देवर्षि नारद के समर्थन से भोजराज कंस देवकी वसुदेव के पुनः रथ पर चढ़ा के वापस कर दिल गेल और अपना अधीनस्थ कर दिल गेल इनका बंदी बना दिल गेल कीर्तिमंतम
वसुदेव के अंश महारानी देवकी के गर्भ से पहला संतान के जन्म भेल जे बच्चा के नाम कीर्तिमान आदरणीय श्रद्धालु सज्जन महात्मा वसुदेव के अंश महारानी देवकी के गर्भ से पहला संतान कीर्तिमान नाम के बच्चा के जन्म भेल वसुदेव महाराज बच्चा के लेने भोजराज कंस के दरबार में पहुंचल। भोजराज कंस जे देखल की हिनकर वास्तविक वसुदेव जी के उदारता गदगद भ गेल। कहलखिन वसुदेव जी अपने वास्तविक संत छी, ओरिजिनल अपने महात्मा छी, साक्षात देवता के अवतार छी, तो अपने अपन पानी से पाछा नहीं पड़लो। आदरणीय श्रद्धालु सज्जन अपने जे कहने रही जे देवकी के गर्भ से देवी संतान के पैदे साथ संपूर्ण अपने के नहीं हाजिर करा दिल जात ठीक अपने तही तरह प्रतिबद्धता के साथ अपने उपस्थित हो गए। मुदा हमार मृत्यु देवकी के आठवां गर्भ से निकल आए। ये देवकी के पहला संतान छी, पहला गर्भ छी, इतना निर्दोष बच्चा है। ऐ बच्चा के हत्या कला सो दुर्देश चल वाला नहीं तिल अपने के बच्चा के छुटकारा दिल जा रहा है। बाबा वसुदेव महात्मा वसुदेव गदगद हो गए। भगवान से निवेदन करे प्रभु अपने के लीला परंपार पूर्ण विश्वासी अपने की असीम कृपा भोजराज कंस के ऊपर मिले। भोजराज कंस संतुष्ट व्यक्ति में सदविचार है ने, सद विवेक जागने, सद बुद्धि है ने, सद ज्ञान है ने, सद आम बात नहीं सब। सद विवेक वो व्यक्ति का आवेद है जिनका पर भगवान के असीम कृपा हो। आदरणीय श्रद्धालु सज्जन जिनका पर भगवान के असीम कृपा हो जाए सद ज्ञान हुए व्यक्ति में आवेद है, सद विवेक हुए व्यक्ति में आवेद। महात्मा वसुदेव अपना आप को महसूस कर रहा है जब भगवान की असीम कृपा मथुरा के ऊपर।